उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वालों से सख्त नफरत है। नफरत ही नहीं, योगी भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। इसी बीच सीएम योगी ने भ्रष्टाचार करने वाले एक अधिकारी पर ऐसा एक्शन लिया कि पुलिस महकमा हिल गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार में लिप्त एक सर्किल अफसर का डिमोशन कर उसे सिपाही बनाने का निर्देश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि रिश्वत लेने के मामले में सीओ के खिलाफ ये सख्त कदम उठाया गया है। बकायदा योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन की जानकारी ट्वीट कर दी गई, जिसमें बताया गया सीएम योगी ने अनुशासनहीनता के आरोपी तत्कालीन क्षेत्राधिकारी उपाधीक्षक जनपद रामपुर को मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने का निर्णय लिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सीएम ने यह एक्शन लिया क्यों। मामला साल 2021 का है, जब रामपुर में तैनात तत्कालीन डिप्टी एसपी रामकिशोर शर्मा के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। रामकिशोर शर्मा पर अनुशासनहीनता समेत कई और आरोपों को लेकर जांच चल रही थी। इस जांच में दोषी पाए जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए डिप्टी एसपी रामकिशोर शर्मा को सिपाही बना दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कहते आए हैं। अब रामपुर के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी रामकिशोर शर्मा के खिलाफ एक्शन को एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।